हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट, इंडियन पोस्ट की तरफ से आया, जहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है। ये जो अपॉर्चुनिटी आया है, अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करते हो तो बहुत बड़ी जो है आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है इंडियन पोस्ट की तरफ से, जहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 39,000 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आया, जो कि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे देख सकते हो हर एक स्टेट के नाम दिया गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे आप लोगों को, उसको मैं दिखाऊंगा। उसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithshovik.com, जहाँ पे आप लोगों को हर रोज जॉब वैकेंसी मिलता रहता है, से स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की अपडेट। तो अगर आप चाहते हो वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हो, तो जल्दी से जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे भी आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट आया है और किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक के 38,926 टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है, जहाँ पे ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा 2 मई 2022 से 5 जून 2022 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ब्रांच पोस्ट मास्टर के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है 12,000 सैलरी, एंड डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो एज लिमिट है 18 से 40 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। 5 to 15 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एज डिडक्शन मिल जाएगा। SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर, EWS, PWD, PWD OBC एंड PWD SC ST कैंडिडेट, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 10th पास और 12th पास करने के बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को और क्या जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए ओनली जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस, अदर जो है SC ST PWD एंड ट्रांस वुमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं लगेगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रांसजेंडर के लिए, जो कि आवर सोसाइटी के बिलोंग करते हैं, वही लोग जो है जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होता है। तो इस बार के जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन किया गया है, जहाँ पे ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी एक मौका है। एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे जो चाहिए यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, 10th पास के मार्कशीट और एडमिट कार्ड, यहाँ पे आप वोटर आइडेंटिटी कार्ड एंड वोटर और आधार कार्ड, यहाँ पे आप लोग को डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ साथ आपको अगर कंप्यूटर में कोई भी एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेट है उसको भी आप लोग दे सकते हो, एंड अगर आपको एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है उसको भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशन करने के लिए जो अपडेट दिया जा रहा है, जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंडियन जो GDS के ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले फास्ट में आप लोगों को दिखाया, वहाँ पर ही आप लोगों को प्रोसेस दिया गया किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे फास्टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर योर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे होना चाहिए, जिन आपको
पेमेंट करना होगा, देन आपका अप्लाई करना होगा एंड देन आप लोगों को एप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यही था आज की अपडेट जो कि इंडियन पोस्ट की तरफ से आया है। अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए कॉमेंट कर सकते, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।